हलिया में कस्बे में लगभग 3 महीने से खराब हैंडपंप सरकार के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। आज दिनांक 17/11/2018 को हलिया व्यापारी वर्ग और वहां के निवासियों ने चंदा इकट्ठा कर हैंडपंप को बनवाने के लिए मजबूर हो गए। वहां के निवासियों और व्यापारियों का कहना है कि हम लोगों ने वीडियो से लेकर ग्राम सभा अध्यक्ष तक को सूचना दिया, लेकिन आज तक हैंडपंप की मरम्मत नहीं कराई गई। हैंडपंप सही न होने के कारण यात्रियों और व्यापारियों एवं आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपंप के पास में ही प्राइवेट बस जीप स्टैंड मौजूद है, जिससे दूर दराज से आने और जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मजबूरन चंदा इकट्ठा कर हैंडपंप बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस हैंडपंप से मोहल्ले वालों के अलावा यात्री और खरीदारी करने वाले आम जनमानस इस हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाते हैं। कस्बे वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी आज तक हैंडपंप का मरम्मत नहीं कराया गया। नगर वासियों का कहना है कि सरकार के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आप बताइए, आप क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, कहां तक आप लोगों ने इसकी सूचना दी है? अरे हम लोग ने सभी इसको सूचना दिया गया है, लेकिन नहीं बन पाने की वजह से हम लोग चंदा इकट्ठा करके बनवा रहे हैं और कोई नया विकल्प है ही नहीं हम लोग पास। वीडियो भी फोन किया गया और अधिकारी को भी बताया गया, कोई नई सुनवाई हो रही है। आप देख रहे हैं, मैं कई लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक महोदय और हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहादत अली उर्फ लल्लू है ना। ये इस हैंड पाइप को हम लोग चंदा करके 3-4 बार बनवाए, इस बार 3 महीने से ख़राब है। और प्रधान को कहा गया और वो वीडियो को कहा गया, डीएम को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी परेशानियां हैं और इन लोगों का कहना है, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका कहना है कि लगभग 3-4 महीनों से ये ख़राब है हैंडपम्प। इसकी सूचना ब्लॉक मुख्यालय वीडियो को भी दिया गया और इनका कहना है कि एसडीएम तक हम लोगों ने इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और मजबूरन आज इस हैंडपंप को यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं वो अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके इसको बनवा रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज, ब्यूरो चीफ, हलिया, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। हैंडपाइप 2 महीने से ख़राब है, 3 महीने 2 महीने से हम लोग ब्लॉक पर भी कहे, प्रधान जी से कहे, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ। आज जो हम लोग आज यहाँ स्टेशन भी है, बाहर के लोग भी आते हैं, जनता भी पानी पीता है, आज पानी खाते दौड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सब लोग मिल के चंदा करके आज हैंडपंप बनवाने का काम कर रहे हैं। जो सरकारी धन आता है वो कहाँ जाता है हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई गुप्त है, पैसा निकल रहा है, सब हो रहा है, खाता चेक किया जाए, ये सब तो होने का काम तो कहीं कोई सुनाई तो है।